फिरोजपुर में 18 अप्रैल को बिजली बोर्ड लाइनमैन कम मीटर रीडर को जहरीली चीज पिलाकर हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद आज तक दोषियों को नहीं पकड़ा गया, जिसके चलते बिजली बोर्ड के टेक्निकल सर्विस यूनियन सहित समाज सेवी संस्थाओं और पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा फिरोजपुर के SSP दफ्तर के बाहर मामले के नामजन दोषियों को पकड़ने के लिए रोष प्रदर्शन कर धरना दिया गया। गिरधारी लाल के पारिवारिक मेंबरों और यूनियन आगाओं ने कहा कि 18 अप्रैल को बिजली बोर्ड के लाइनमैन और मीटर रीडर को जहरीली चीज पिलाकर हत्या का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ 302 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद आज तक मामले के नामजद दोषियों को नहीं पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार ना किया गया तो इंसाफ के लिए संघर्ष और तेज किया जाएगा। ये मेरे पति गिरधारी लाल दा 18 अप्रैल नु कतल हो गया है, जिस कारण असि धरना लाया कि साडे मेरे पति नु कोई भी इंसाफ नहीं दिता गया। असि इंदा ना कि इंसाफ दी मांग वास्ते ये धरना ला रहे हैं। मेरे पति नु रीली चीज दे के कोल्डिंग विच मारिया गया है, उन्होंने कातलों को गिरफ्तार करने वास्ते असी यह धरना ला रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, पैसा चढ़ रहा है, पॉलिटिक्स का हाथ है, ये सब अंदर ना कि अपने रले मिले भगत ने। इसलिए मैं चाहनी हाँ कि मेरे पति नु इंसाफ दिता जाए। बंदे शरेआम घूम रहे ने शहर के विच, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं चाहनी हाँ कि मेरे पति नु इंसाफ दिता जाए। धरना असी अपने साथी गिरधारी लाल जिदी 18/4/18 नू कुछ गुंडे अंसरा वालों जहर दे के साथी नू मारिया गया, और घट्टो घट 50 दिन का समा अज बीत चुकया। दफा 302 120 जड़ी है वो पुलिस वालों लगाई गई है, परंतु इन्ना लम्मा समा बीतन के बावजूद भी वो जड़े 5 दोषी ने वो खुले आम जड़े है वो अपने घर दे विच बाजार दे विच घूम रहे है, पर पुलिस वालों उन्हां विरुद्ध जड़ी है कोई भी कार्रवाई जड़ी है वो नहीं की जा रही, ना ही दोषियों नूं जड़ा हजे तक गिरफ्तार किया गया। उस संबंध दे विच अज असी जॉइंट फोरम की कॉल ते दोवां डिवीजनां वालों होर भरातरी किसान जथेबंदियां वालों असी SSP दफ्तर के बाहर धरना दे, जेकर इन्हां दोषियों नूं छेती पुलिस वालों गिरफ्तार ना किया गया तो आने वाला संघर्ष जिहड़ा वो साडा होर तिखा होगा। गिरधारी लाल साडा कैंट नंबर 2 साहब दा प्रधान सी, उहनूं इत्थों दे कोई गुंडिया ने जहर दे के जहरीली चीज़ कोई ठंडे के पा के उन्होंने मार दिता है, जिसे 302 का परचा भी दर्ज होया, 320 के 120 लगी हुई है, पर अजे तक 50 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस ने अजे तक गिरफ्तार नहीं किया। असं पहला भी SSP भी मिल चुके हैं, तो थाना सिटी के खिलाफ धरना भी पहला ला चुके हैं, पर अजे तक फिर भी किसी ने उन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। सानू पता लगा भी ये जिथे सियासी लोगों का हाथ आ उन्होंने गिरफ्तार ना करने वे नाल ही जिहड़ा पैसा भी वो पानी वांगू बहाया जा रहा है, वो गुंडिया ने जिहड़ा पैसा लुटखोरा इकट्ठा किया वो पैसा जिहड़ा पुलिस प्रशासन नूं चढ़ा के ते वो साडे साथी दे कातलां नूं गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। अज असी SSP दफ्तर पूरे धरना ला रहे हैं, और मिती 14 तरीक तो असी आपदे महकमे दे विच पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल शुरू कर रहे हैं, और उस तो बाद भी अगला एक्शन जिहड़ा है सख्त तो सख्त एक्शन जिहड़े लैके उन्हां दोषियों नूं गिरफ्तार करावांगे, ते जिहड़ी इहदे निकलण वाले सिट्टे मतलब सिट्टियां दी सारी जिम्मेवारी आ ओह पुलिस प्रशासन दी होऊगी। पंजाबी सरगर्मियों के लिए फिरोजपुर से सुखचैन की रिपोर्ट।